तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। भाई वीडियो बनाने में हमको एफर्ट लगती है, मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो हम लोग को मोटिवेशन देने के लिए। क्या खतरनाक लग रही है, अरे कहाँ आ गया है? हम लोग कहाँ फंस गए हैं? ये तेरी तो हट साल में सामने से हट, अपने पास गन है भाई, गन है, हट जा सामने से हट जा, ट्रक वाले आपन है समझा। सारे घर का कचरा निकालते हैं, पूरे गांव का हम लोग कचरा साफ करते हैं। ओके गाइस, हम लोग का घर आ चुका है। अब हम लोग घर के अंदर अपने चलते इस गाड़ी को पार्क कर देते हैं। किसी को क्या पता चलेगा भाई कि हम लोग इतने अमीर हैं, कचड़े वाले काम करते हैं। वैसे अमीर तो कुछ ज़्यादा ही हैं। वैसे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ, माइकल ने क्या कपड़ा पहने, मतलब भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये इतना ज़्यादा कचड़े वाला काम करता है और यहाँ पे कोट पैंट इसने पहना है। जल्दी से वापस, अब हम लोग कपड़ा चेंज कर लेते, थोड़े गरीबों वाली स्टाइल से रहते ना, गरीबों वाली स्टाइल से एकदम मतलब भिखारी पारी बन जाते थोड़ा सा। सो कि गाइस, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट्स पहन लिया है, ऊपर से एक टी शर्ट नॉर्मल से पहन लिया है। वैसे इससे ज़्यादा गरीब नहीं हो सकता भाई, अपना भी एक क्लास है, आप लोग भी एक थोड़ा तगड़े वाले फैमिली से आते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। ठीक है, हम लोग अब नीचे, यहाँ पे हम लोग नीचे चलते हैं, पहले कुछ खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है। थोड़ा नहावा भी लेते हैं, नहाएंगे तो ऐसे नहीं क्योंकि काम पे वापस जाना है। और हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कोई तगड़ा सा ट्रक ना खरीद लिया जाए जो एकदम फुल मॉडिफाइड हो। पहले इस करेले का जूस पीते हैं, ज़्यादा कड़वा है, कैसे पी लेता है माइकल, तू कैसे पी लेता है भाई, ताकत इसकी देख रहे हो आप, करेगा 9 to 5 जॉब पूरी करेगा। यहाँ पे वैसे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ड्रिंक भी हम लोग पी लेते हैं क्योंकि सेहत के लिए वो भी अच्छा रहता है। भाई माइकल को रात भर काम करना रहेगा तो उसके लिए भाई उसको पीना ज़रूरी है, क्योंकि रात भर उसको जागना पड़ेगा, पूरे लॉस एंजेलिस का कचरा जमा करना पड़ेगा क्योंकि वो अब एक कचरा वाला बन गया है, कचरा वाला बन गया है। तो सो के गाइस, यहाँ पे अब हम लोग निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। जल्दी से बॉटल बंद करते हैं भाई माइकल को, चल भाई माइकल बाहर चल, चलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है, इसकी वाइफ को, माइकल की वाइफ को ये सब पसंद नहीं जो हम लोग कचरा चलाते हैं, ये गाड़ी करते हैं। उसको लग रहा है कि ये काम बहुत जो छोटा है, बट उसको ये नहीं पता कि उसका ये जो कपड़ा पहनी उसने वो इसी ट्रक से आता है, वो सारी चीज़ें जो ये घर हो रहा है सब इसी के ट्रक से आता है, सारा काम माइकल इसी करता है। अब माइकल को ये बात दिल पे लग चुकी है और माइकल अब जा रहा है इसको छोड़ने के लिए, मतलब इस ट्रक को छोड़ने के लिए नहीं, ट्रक को जा रहा है बदलवाने के लिए। अब माइकल दूसरा काम, दूसरा जॉब ढूंढ लेगा और इस की वाइफ को तो ये पक्का डिवोर्स देगा, डिवोर्स दे देना इसकी वाइफ को, डिवोर्स दे देना बहुत। सो ठीक है, अपने इस प्यारे से ट्रक को जिसने अपना इतना साथ दिया है, इस बगले को बनाने में मदद की, इसको अब टाइम है इसको छोड़ने का, तू तो निकल पहली फुर्सत में। मार दिया इसकी वाइफ को मैंने, मार दिया माइकल की वाइफ को। सो यहाँ पे हम लोग बेनिक के शोरूम में आ चुके हैं क्योंकि अब इस गाड़ी को जा रहे हैं हम लोग मॉडिफाई करवाने, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा इस गाड़ी को हम लोग मॉडिफाई करवाने वाले हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ अब कुछ नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे एंटर हो चुके हैं इस माइक मतलब बैनी के गैराज में और इस तगड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करवा चुके हैं इस गाड़ी को, देख रहे हो आप लोग। भाई साहब क्या ट्रक है भाई, सब खतरनाक, एकदम खतरनाक, सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी तो उसको उड़ा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ। बाकी इसके जो और मॉडिफिकेशन थे, सामने वाला रैंप उसको मैंने रिमूव करवा दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था गाड़ी को जब मैं रोड पर चला रहा था। यहाँ पे अब ट्राई करने वाले हैं इसकी स्पीड जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। आई होप कि ये गाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल तो ऑब्वियसली है क्योंकि इसका बूस्ट बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है भाई, कितना ज़्यादा खतरनाक इसका बूस्ट है। इसकी ब्रेकिंग अब वैसे ब्रेक भी तो अच्छी है बट कोई बात नहीं, इसकी ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं करवाना पड़ेगा। वैसे मैं इसको ट्राई करता हूँ क्या इसको तोड़ सकती है, नहीं, इससे ज़्यादा पावर इसके ट्रक में नहीं है। सो वापस है, अब हम लोग इसको वापस से इसका बूस्ट ट्राई करेंगे। भाई इसके अंदर से फायर निकल रही है, मुझको पता नहीं था कि इसके अंदर से फायर निकलती। भाई कितना ज़्यादा खतरनाक, कितना ज़्यादा कूल लग रहा है भाई, कितना खतरनाक ट्रक है। वापस बूस्ट स्टार्ट, 1 2 3 को। भाई साहब क्या बूस्ट है, 350 की स्पीड तो 335 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कवर कर ले रहा है। वैसे इस थोड़ा ब्रेक मारते हैं, ब्रेक आराम से, इजीली आराम से भाई, अरे शिट ठुक गया। वैसे इसकी ब्रेकिंग कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, मुझको इसकी ब्रेकिंग सही करवानी पड़ेगी। इसका बैग ले लेते हैं वापस से, अभी हम लोग वापस इसका वापस हम लोग ट्राई करेंगे वंस मोर बूस्ट जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है। वापस 3 2 1 गो। ये क्या खतरनाक बूस्ट है भाई इसकी तो। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं रेसिंग टूर्नामेंट खेलने के लिए। भाई रेस एयरपोर्ट पे तो ज़्यादा ही कर लिया, अब ट्राई है इसके अंदर ट्राई करने का। वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं होगा बट ये है कि प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे गिरेंगे तो हम लोग तुरंत ही मर जाएंगे। यहाँ पे फुटबॉल है, हम लोग ट्रक से फुटबॉल खेलते, सब पैर से खेलते हैं, हम लोग अपने ट्रक से खेलेंगे फुटबॉल। यहाँ पे अब बहुत स्लो स्लो चलाना पड़ेगा बट यहाँ पे बूस्ट भी है तो थोड़ा, अरे शिट यार लड़ गया, फिर से लड़ गया। अरे यार क्या कर रहा है भैंस, यहाँ क्या कर रहा है, अरे यार हम लोग का ट्रक तो यहाँ फंस गया, अब क्या करें। अरे निकल जा भाई, अरे भाई निकल जा यार,
अरे शेट यार, निकल जा, प्रॉब्लम करेगा भाई। अरे निकल जा यार, क्या दिक्कत है तेरे को यहाँ से? अब मुझको लग रहा है ये दूसरा शेट यार फंस गया, अब कुछ करना पड़ेगा। गाइस हम लोग ने यहाँ कुछ जुगाड़ लगा के, अपना दिमाग लगा के यहाँ पे अभी लगा लिए। अभी हम लोग ने, अभी आज निकलते हैं। अरे यार क्या दिक्कत, क्या है? चलो ठीक है, यहाँ से अब पहले हम लोग थोड़ा बैक कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भारी ट्रक है और मुझको पता है यहाँ से पार्क पार्क कर नहीं पाएगा, तो थोड़ा बैक लेते। इसका बूस्ट आपको दिखाता हूँ, बूस्ट। या 3 2 1 एंड गो। यहाँ पे ओ भाई, अरे अरे वहाँ पे नीचे था, नीचे था, नीचे था, नीचे पार्क था। शेट यार, ये तो हवा में उड़ रहा है, फ्लाइंग बीस्ट बन गया है। तो ओ यहाँ पे बूस्ट दे रहा है, तो ये हवा में जा रहा है भाई, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है। यार भाई कितना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है यहाँ पे। इसको बूस्ट से हम लोग जैसे जैसे प्लेन बन गया भाई, या तो हवा में उड़ रहा है एकदम खतरनाक, और ऊपर जा ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। मुझको तो भाई प्लेन की ज़रूरत नहीं है, अगले टाइम नेक्स्ट टाइम मुझको कहीं पे जाना होगा लेसन टास्ट में या कहीं और जाना पड़ेगा, तो मैं उस ले लूँगा, उसके लिए प्लेन ले लूँगा। इतना ज़्यादा गर्मी, और इस ये तो नीचे आने लगा भाई। सूरज कितना खतरनाक दिख रहा है, बट यहाँ पे ये तो हो रही है भाई जैसे हवा में एकदम खतरनाक, तो तगड़ा दिख रहा है, जैसे लग रहा है मैं यहाँ पे कोई जेट प्लेन उड़ा रहा हूँ। जैसे इसकी फायर क्लैकिंग, इसके अंदर से फायर्स निकल रही, तीन तीन लेयर की फायर निकल रही है, वो 271। अरे ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अरे भाई ऊपर जा रहे हैं, तेरे को रुको मैं लैंडिंग करवाता हूँ। अरे आराम से, आराम से। और अरे भाई, अरे शिट यार, मर गए मर गए।